गुड मॉर्निंग डियर, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा इम्प्लिसिट फंक्शंस को। अबे तुम्हें तुमने कहा सर ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या चीज होता है? तो मैंने कहा बेटा एक दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन एक इम्प्लिसिट फंक्शन। बेटा एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। तुमने कहा अच्छा ये क्या चीज होता है? तो मैंने कहा बेटा इसमें आप कुछ भी नहीं, सिंपल एक फंक्शन y इस तरफ और y इक्वल एफ एक्स की फॉर्म में लिखा हो या x इक्वल एफ वाई की फॉर्म में लिखा, तो सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और जिनको बेटा इस फॉर्म में नहीं लिखा हो उसको अपन बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तुमने कहा अच्छा अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करना है। मैंने कहा हाँ बेटा, देखो अब ये क्वेश्चन दे रहा है बेटा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल थ्री एक्स वाई, इसका डिफरेंशियल। बेटा वाई इक्वल एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिखा, तुमने कहा कोई टेंशन नहीं, इसका डिफरेंशियल करो बेटा। तुमने कहा थ्री एक्स स्क्वायर, और एक्स का किसको एक्स माना? एक्स को एक्स ही माना। तुमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मैं भी स्टार्टिंग में ही लिखता हूँ, बाद में सीधा एक्स का डिफरेंशियल वन मानूंगा, प्लस इसका वाई क्यूब का। तुमने कहा थ्री वाई स्क्वायर, और वाई का डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तुमने कहा यस, इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा थ्री ए एक्स एज इट इज वाई का डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज और डी एक्स बाई डी एक्स। तुमने कहा यस। बेटा देखो थ्री तो कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, तुमने कहा सर थ्री कॉमन कैंसिल कर सकते। तो बेटा ये क्या एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन प्लस वाई स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा ए एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस ए वाई और डिफरेंशियल ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन। तो बेटा डीवाई बाई डी एक्स कितना हो गया बेटा? तुमने कहा बेटा ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो डीवाई बाई डी एक्स हमारा कितना आ गया बेटा? डीवाई बाई डी एक्स तुमने कहा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस, ये हमारा डिफरेंस। तुमने कहा ये डिफरेंशियल आ गया। मैं बच्चों जैसी बात है, हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते। अब बेटा ये क्वेश्चन आया, देखो इस क्वेश्चन को डील करना। तुमने कहा अच्छा इसको डील करना बेटा, ये देखो सीधा सीधा डिफरेंशियल करो, इसको सीधा डायरेक्ट कर देता हूँ बेटा। ए एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशियल कितना? 2x, तुमने कहा एज इट इज 2h एज इट इज रखा, और एक्स वाई का एक्स एट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज और एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में वन प्लस बी वाई स्क्वायर का 2b y और y का बेटा डी वाई बाई डी एक्स y स्क्वायर का 2y और b तो एज इट इज पड़ा है, तुमने कहा यस प्लस 2g और डिफरेंशियल ऑफ x इज वन 2f डी वाई बाई डी एक्स इक्वल जीरो। बेटा मैं 2 कॉमन आके हट रहा है, तुमने कहा ठीक है ए एक्स प्लस एच एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एच वाई प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी प्लस एफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल जी। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो बेटा यहाँ से, तुमने कहा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल कितना बेटा? माइनस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना? माइनस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ये हमारा डिफरेंशियल आ गया। मेरे हिसाब से आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को डील कर सकते। अब बेटा ये क्वेश्चन आया, ऐसे क्वेश्चन कैसे आए बेटा? देखो रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करना है। तुमने कहा यस, तो बेटा क्या करो, एक्स को साइन थीटा मान लो ऐसे केस में, और वाई को क्या मान लो बेटा? साइन फाई। तुमने कहा बिल्कुल मान लेते हैं बेटा। तो इसका ये कितना हो गया बेटा? तुमने कहा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर फाई इक्वल ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। तो बेटा ये कितना हो गया? कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इक्वल ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। इसका फॉर्मूला क्या बेटा? तुमने कहा टू कॉस थीटा प्लस फाई बाई टू और कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई बाई टू, और ये कितना बेटा? 2a cos थीटा प्लस फाइव बाई टू
और साइन ऑफ थीटा माइनस वाई हमने बेटा इनको दोनों को यहां लाएं और टू कॉस थीटा प्लस वाई, मैं चाहूं तो कैंसिल कर सकता हूं लेकिन तरीका बेटर नहीं है, वो तरीका यही है कॉस ऑफ थीटा माइनस वाई बाई टू माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस इक्वल जीरो, चाहे इसको जीरो करो या इसको जीरो करो, इसको जीरो करते बेटा कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू इक्वल जीरो, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू इक्वल साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू, ये कितना हो गया कॉट ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू इक्वल कितना बेटा, यहाँ पे ए भी तो था साथ में, तुमने कहा सर ये तो भूल ही गए बेटा, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है और ये यहाँ, तो बताओ बेटा यहाँ से थीटा माइनस फाइव बाई टू इक्वल कॉट को वहाँ ट्रांसफर कर दो कॉट इनवर्स ए, थीटा माइनस फाइव इक्वल कितना टू कॉट इनवर्स ए, थीटा कितना बेटा तुमने कहा साइन इनवर्स एक्स, फाइव कितना बेटा साइन इनवर्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स ए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई एक्स, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई डीवाई बाई डी एक्स इक्वल जीरो, डीवाई बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा बताओ जल्दी, तुमने कहा अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स, हेंस ये हमारा आंसर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई और यही प्रूव करना था आपको, तुमने कहा अब बेटा ऐसा का ऐसा क्वेश्चन अगला, फिर ऐसा का ऐसा क्वेश्चन, तुमने कहा ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, देखो एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल वन दे रहा है बेटा, और मुझे प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है, तुमने बेटा यहाँ थोड़ा सा ठीक कर दो इधर माइनस, तुमने कहा माइनस है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेटा ये गलती से छपा नहीं है लेकिन अभी हम माइनस है, तुमने कहा ठीक है। अब क्या करो बेटा यहाँ से तुम क्या करो, तुमने कहा क्या करना है, मैंने कहा बेटा इसमें तुम एक्स को तो साइन थीटा ही मानो तो वाई को मान लो साइन, ऐसा मैंने कहा ये कितना बेटा साइन थीटा अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन फाइव और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल वन, ये बेटा कितना साइन थीटा और ये कितना कॉस फाइव प्लस ये कितना कॉस थीटा और साइन फाइव इक्वल वन, बेटा यहाँ पे कितना हो गया साइन थीटा प्लस फाइव इक्वल वन, वन को अपन क्या कह सकते हैं साइन फाइव, तो थीटा प्लस फाइव इक्वल कितना बेटा तुमने कहा फाइव बाई टू, और थीटा कितना बेटा तुमने कहा साइन इनवर्स एक्स, फाइव कितना बेटा तुमने कहा साइन इनवर्स वाई इक्वल पाई बेटा, अब आराम से डिफरेंशियल करो बेटा, इसका डिफरेंशियल अंडर रूट वन माइनस एक्स, इसका अंडर रूट वन माइनस वाई और वाई का डी वाई बाई इक्वल जीरो, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल कितना बेटा कहा माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस, तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स कितना माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, अब आराम से ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स करते हैं उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा ये क्वेश्चन है एक्स रूट वन प्लस वाई और वाई रूट वन प्लस, रूट हटाने का हमारा मेन एम है रूट हट जाए बेटा, तुमने कहा यार वाई रूट हटाने का एक तरीका एक्स की जगह कॉस टू थीटा रख दे और वाई की जगह साइन टू थीटा टू फाई रख दे, तुमने कहा ऐसा रखे, मैंने कहा एक तरीका वो भी है, तुमने कहा और दूसरा कोई तरीका, तो मैंने कहा बेटा इक्वल टू जीरो ना तो रूट को अपने ऐसे भी हटा सकते, कैसे एक्स रूट वन प्लस वाई एज इट इज
इक्वल माइनस वाई रूट वन प्लस एक्स, हमने कहा तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई इक्वल वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स, सबको एक तरफ लिया एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल जीरो, दोनों में फैक्टर किया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इनमें कॉमन क्या लिया एक्स वाई कॉमन लिया, एक्स माइनस वाई इक्वल जीरो, एक्स प्लस बेटा कॉमन क्या आ रहा है एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा, हाँ यहाँ क्या बच गया बेटा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल जीरो, एक तो या तो ये अगर जीरो करेंगे बेटा तो एक्स इक्वल वाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वन हो जाएगा, लेकिन मुझे तो ये प्रूव करना नहीं तो जीरो करता हूँ, ये एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल, तो बेटा एक्स कॉमन ले लो, मुझे तो वाई की वैल्यू चाहिए ना, मैंने हाँ सर वाई की वैल्यू चाहिए, तो बेटा मैं इसको ऐसे कहता हूँ वाई वन प्लस एक्स इक्वल माइनस एक्स, तो यहाँ से वाई इक्वल कितना तुमने कहा माइनस एक्स अपॉन वन प्लस, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना बेटा बताओ जल्दी से, तुमने कहा बेटा इसको आप ऐसे ही करना चाहते हो, चलो अपन ऐसा ही सॉल्व कर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एज इट इज, वन प्लस एक्स एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज वन माइनस एक्स एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल इज वन, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना बेटा हमने कहा माइनस वन प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्स होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना बेटा बताओ जल्दी माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल, ये हमारा आंसर मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। अब बेटा ये क्वेश्चन है कि साइन वाई इक्वल एक्स साइन ए प्लस वाई और मुझे इसका डिवाइड एक्स का, तो एक्स को ऐसे कह सकता हूँ बेटा साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस, तो डी एक्स अपॉन डी वाई कितना होगा बेटा, ने कहा ये स्क्वायर करें बेटा वाई के रेस्पेक्ट साइन स्क्वायर ए प्लस एज इट इज, अब बेटा डिनोमिनेटर को एज इट इज रखे साइन ऑफ ए प्लस वाई और डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई माइनस माइनस बेटा साइन वाई एज इट इज और डी बाई डी वाई ऑफ साइन ऑफ ए प्लस वाई, अब बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल कितना साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई और साइन का डिफरेंशियल कॉस अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस, तो बेटा डी एक्स अपॉन डी वाई कितना होगा बेटा, हमने कहा बेटा ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, अब साइन ए कॉस ए साइन बी तो साइन ए प्लस ए माइनस ए कितना ए प्लस वाई माइनस वाई वाई से वाई चला गया, तो डी एक्स अपॉन डी वाई कितना बेटा बोलो जल्दी से, मैंने कहा ये साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस, बेटा मुझे प्रूव क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स प्रूव करना तो उल्टा बेटा कितना साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई अपॉन हेंस प्रूफ, यही हमारे तो मेरे हिसाब से देखिए बेटा कितना इजी और सिंपल क्वेश्चन है, कैसे हमें डील करना है ये आपको देखना है बेटा, ठीक है। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन मुझको सॉल्व करना है, तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तुमने कहा यस, बेटा देखो वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल लॉग ऑफ e बेस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स शो करना है ये वाला, तुमने कहा ठीक है बेटा वाई एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तुमने कहा ठीक है प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज और वाई का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी लॉग का डिफरेंशियल क्या वन अपॉन
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, और जिसको एक्स लेट किया था उसका डिफरेंस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। बेटा ये देखो वाई इंटू वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ से माइनस कॉमन ले ले और ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इसका डिफरेंशियल क्या रूट का, तुमने कहा वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, बेटा ये और रूट का हो गया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस तुमने कहा ठीक। अब बेटा देखो वाई इंटू वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू इसका डिफरेंशियल कितना टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस वन अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और बेटा ये कितना हो गया वन बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस वन। बेटा ये टू से टू कैंसिल हो गया, हमने कहा अच्छा तो y इंटू ये टू से बेटा यहाँ भी कैंसिल हो तो एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस वन अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस। बेटा ये और ये कैंसिल, हमारे पास क्या हो गया एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना बेटा माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। अब एलसीएम ले लीजिए बेटा रूट एक्स स्क्वायर वन, तो ये क्या होगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस वन, और इसको यहाँ ले आओ बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वन इक्वल जीरो, हेंस प्रूव। यही तो प्रूव करना था मेरे हिसाब से बेटा, आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, आराम से ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते। अब बेटा ये क्वेश्चन है वाई इक्वल रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, मुझको ये शो करना है, ठीक है कोई टेंशन नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस इसका डिफरेंशियल कितना बेटा, तुमने कहा ये डिफरेंशियल x की पावर माइनस हाफ का था तो माइनस हाफ इंटू वन अपॉन एक्स रूट एक्स कह दो, x की पावर माइनस थ्री बाई टू, ये बेटा तुमने कहा यस। बेटा देखो इसको अपन ऐसा कह दे टू रूट एक्स को यहाँ ले आए, टू रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना बचा यहाँ, तुमने कहा यहाँ तो बचा वन और यहाँ बचा माइनस वन अपॉन एक्स, ये बेटा हमारे पास बच। तुमने कहा अच्छा ये बच गया, मैंने कहा हाँ बेटा हमें चाहिए क्या टू एक्स वाई, टू एक्स चाहिए, उनका यस तो इसको बेटा ऐसे कह दो टू रूट एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स और ये कितना रूट एक्स माइनस वन बाई, तुमने कहा यस तो इसको मैं ऐसे कह दू टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स इक्वल रूट एक्स, तुमने कहा यस तो 2x dy by dx प्लस 1 अपॉन रूट x इक्वल रूट x, बेटा इसमें रूट x से इसको ऐड कर दो इधर भी और रूट x इधर भी ऐड कर दो, ये कितना हो गया 2x dy by dx प्लस y इक्वल 2।
ये क्वेश्चन आ, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है कि आप कैसे इस क्वेश्चन को डील। अब ये क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा कि cos ऑफ x प्लस वाई फुल वाई साइन है, मुझे dy बाई डी एक्स फाइन कर। हमने कहा अच्छा cos का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा, तो कहा माइनस साइन, बहुत बढ़िया। और बेटा डी बाई कहें डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको x माना था उसका ठीक है, इक्वल y एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस साइन x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ y। अच्छा बेटा तो ये मैं साइन ऑफ प्लस y ये कितना डी बाई डी एक्स वन प्लस डी वाई बाई डी, ये कितना वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी। बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं माइनस साइन ऑफ, माइनस साइन ऑफ प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बेटा, यहाँ ले आओ इसको, यहाँ ले आओ तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा कि इधर आते ही बेटा साइन ऑफ प्लस वाई प्लस वाई कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वाई कॉस एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन। ये बेटा हमारा डिफरेंशियल आ गया, यही फाइन करना था जीरो लेवल में। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन का डिवाइड साइन एक्स वाई है, तुमने कहा यार ये वाला क्वेश्चन है, मैंने कहा तुमने कहा बिल्कुल अभी प्रैक्टिस, हम अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है हमारी हम उतनी प्रैक्टिस करेंगे। तुमने कहा बेटा ये देखो ऐसे साइन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स बाई वाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस प्रूव कर डिवाइड बाई डी एक्स वाई। बेटा साइन का डिफरेंशियल क्या और कॉस ऑफ एक्स वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस बेटा ये कितना तुमने कहा, ये मैंने कहा देखो इसको अपन एक और सिंप्लीफाई तरीके से थोड़ा सा और ऐसे कहें वाई से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वाई साइन एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये बेटा अब इसका डिफरेंशियल आराम से कर लेंगे y as it is sin का डिफरेंशियल cos of d by dx of x plus you are sin xy as it is और d by dx of y तुमने कहा plus 1 equal तुमने कहा x square d by dx plus y x square का 2x माइनस टू वाई डी वाई बाई डी बेटा इसको ऐसे कहें वाई कॉस ऑफ इसको डिफरेंशियल करें तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का डिफरेंशियल वन प्लस साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन कुल कितना बेटा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई माइनस टू वाई डीवाई बाई डी एक्स। बेटा डीवाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ ये बेटा देखो ऐसे वाई कॉस वाई एक्स वाई कॉस एक्स वाई डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई डीवाई बाई डी एक्स प्लस वन इक्वल एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स
प्लस टू एक्स वाई माइनस टू वाई डिवाइड बाय डी। ये बेटा यहाँ पे ले आया, सबको एक तरफ ले आया, तो एक्स वाई कॉस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय डी एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय डी एक्स प्लस टू वाई डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा टू एक्स वाई, मैंने कहा यस टू एक्स वाई, और ये बेटा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स कहाँ चला गया, थोड़ा समय वापस, बहुत सारे है ना, तो आपको एक एक चीज को ध्यान रखना है। एक्स वाई कॉस एक्स वाई डिवाई चार डिवाइड बाई डी एक्स, सबको एक तो डिवाइड एक्स ले लो, कॉमन ले लो बेटा। यहाँ क्या मैंने कहा एक्स वाई कॉस एक्स, बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ क्या बेटा बस साइन एक्स, बहुत बढ़िया, तो ये कितना बेटा माइनस एक्स प्लस टू वाई, ये बेटा, और बाकी सबको इधर लाओ तो क्या टू एक्स वाई, और ये बेटा कितना माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई, हमने कहा यस माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस वन, एक दो और तीन, तीन है ना, तीन पड़े, तो बताओ डीवाई बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, तो डीवाई बाई डी एक्स मैंने कहा ये आ गया बेटा टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स वाई कॉस एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये हमारा बच्चों जैसा है लेकिन ये डील कर सकते, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको कर सकते। अब बेटा ये क्वेश्चन, e पावर x प्लस e पावर y इक्वल e की पावर x प्लस y, अप्रूव ये करना है, अभी करते हैं बच्चों, ऐसी बात है e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, e की पावर y का e की पावर y और y का डिवाइड बाय dx, e की पावर x प्लस y का बेटा तुमने कहा e पावर x प्लस y का x प्लस y और फिर d बाई डी एक्स ऑफ, तुमने कहा ये बेटा e की पावर x प्लस e की पावर y डिवाइड बाय dx इक्वल e की पावर x प्लस y डिफरेंशियल ऑफ x इज 1 प्लस e की पावर x प्लस y e की पावर x प्लस y डिवाइड बाय dx, तो बेटा यहाँ से e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस y डिवाइड बाय dx इक्वल e की पावर x प्लस y माइनस e की पावर x, तुमने कहा यस, और बेटा देखो e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस y को क्या लिखे, तुमने कहा माइनस e की पावर x माइनस e की पावर y डिवाइड बाय dx, और e की पावर x प्लस y कितना, तुमने कहा बेटा e की पावर x प्लस e की पावर y माइनस e की पावर, बेटा देखो ये e की पावर x ये e की पावर x, तुमने कहा यस, तो डिवाइड बाय ये e की पावर y और ये e की पावर y को, तो डिवाइड बाय dx कितना बेटा, तुमने कहा माइनस e की पावर y अपॉन e की पावर, हमारे पास डिवाइड बाय dx कितना हो गया बेटा, तुमने कहा माइनस e की पावर y माइनस, यही प्रूव करना था क्या, तुमने कहा यस, बच्चों जैसी बात है बेटा आराम से हम क्वेश्चन को डील कर सकते। अब बेटा देखो ये वाला क्वेश्चंस भी मुझे सॉल्व करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे डील करूं, मुझे ये प्रूव करना है x by x है कुछ एरर होगा, y by x है कुछ होगा, अभी देखते हैं बेटा। देखो इफ tan इनवर्स ये बेटा कितना दे रहा है, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल ए, तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टेन ए, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टेन ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ना बिल्कुल कह दो सर इसमें क्या प्रॉब्लम,
अब डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, 2x ये 2y, ये dy by dx, ये tan तो कांस्टेंट है, बाहर ही रखो, 2x plus 2y dy by dx, बेटा dy by dx वाले एक साथ, 2x minus 2y dy by dx equal 2a, बेटा ये कितना, 2x tan a plus 2y tan a dy by dx, बेटा यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, dy by dx वालों को एक तरफ ले आओ, 2x minus 2x tan a equal 2y tan a dy by dx plus 2y, दोनों में कॉमन क्या आता है तुम, 2x 1 माइनस 10, बहुत बढ़िया, यहाँ से कॉमन क्या आता है 2y और साथ में dy by dx भी तो कॉमन आ रहा है, तुमने कहा बेटा dy by dx, यहाँ क्या 2y dy, तो यहाँ क्या बचा tan a प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो dy by dx इक्वल कितना बेटा x बाई y 1 माइनस टेन ए ऑन 1 प्लस डीवाई बाई डी एक्स हमारा कितना आ गया बेटा, हमने कहा x बाई y अपॉन 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस, आराम से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कैसे, क्या यही प्रूव करना था तुमने कहा, तो बेटा यहाँ से आप देखो बेटा x 1 माइनस टेन है, यहाँ इस y की जगह हटा दो और इधर y कर दो, ये प्रूफ करना है, ठीक है बेटा आगे चलते हैं बेटा, आगे और भी क्वेश्चंस, अब ये बेटा ये वाले क्वेश्चंस हैं जो लॉगरिथमिक बेस है, लॉग यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, ठीक है बेटा, तो आप एक एक क्वेश्चंस को देखो बेटा क्या करना है आपको, मैं कह रहा हूँ मैथ्स आपको मैं बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, लेकिन आपको मेरे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, रिलैक्स होके आप पहले खुद पहले एक बार मेरा क्वेश्चंस देख लें, वीडियो देख लें, आपको फिर क्या करें, फिर केवल क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन देख के उसे सॉल्व करें, तो फिर कहीं कहीं अटके तो उस वीडियो को आप देखें, तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, और अगर आपने मेरे डिफरेंशिएशन के ये लेक्चर्स ये सीरीज आपने अगर अच्छे से देख ली तो ये श्योर है कि आपको जेई के जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा ये कितना इजी है और कितना आसान है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ओके बेटा कल आकर और डिस्कस करते हैं लॉगरिथम को, ओके बेटा थैंक यू।